असलम व्यूअर्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल लिंक्स ऑफ पीडिया फाइल्स यूज इन दिस वीडियो आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन टूडेज लेक्चर इज अबाउट वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी इट वॉज प्रजेंटेड बाई एल्फर्ड वर्नर सो एज यू आल नो कि हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट टाइम हमने ब्लूम स्टैंड जॉर्ज जैनसन चेन थ्योरी जो है उसको स्टडी किया था दैट थ्योरी वॉज रिजेक्टेड उसकी रीज़न ये थी कि कोबार क्लोराइड के जो चार कॉम्प्लेक्सेस थे उनमें से तीन के स्ट्रक्चर्स को तो उस थ्योरी ने सैटिस्फाई किया था ऑन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स एंड कंडक्टिविटी लेकिन जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स था विच वाज कोबार क्लोराइड डॉट थ्री एन एच थ्री उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में वो थ्योरी फेल हो गई थी एज अ रिजल्ट ऑफ विच फाइनली दैट थ्योरी वाज रिजेक्टेड तो उसके बाद हम जो है आज स्टडी करेंगे नेक्स्ट थ्योरी विच इज़ सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड दैट थ्योरी इज़ कॉल्ड एज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी दिस थ्योरी वाज़ प्रेजेंटेड इन 1893 बाय वर्नर हाउएवर वर्नर वन द नोबल प्राइज फॉर एक्सप्लेनिंग दिस इन नाइनटीन तो इसकी इस, इस थ्योरी के पास्टुलेट्स जो हैं वो मेनली तीन हैं उनमें सबसे पहला जो पास्टुलेट है वो है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वेलेंसी नंबर वन इज़ द प्राइमरी वेलेंसी एंड नंबर टू इज़ सेकेंडरी वेलेंसी प्राइमरी वेलेंसी इज़ आल्सो कार्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज सेकेंडरी वलन्सी इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर तो ये है पहला पास्टुलेट वर्नर थ्योरी का सेकेंड जो पॉस्टुलेट है दैट एक्सप्लेन्स दैट एवरी एलिमेंट टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी एंड थर्ड जो पॉस्टुलेट है दैट इज के इट इज द सेकेंडरी वैलेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एक स्टेप बताया था चार्ज सेपरेशन स्टेप तो वो जो चार सेपरेशन स्टेप है वो क्या है वो एक्चुअली हम प्राइमरी वलन्सी या ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं सिमिलरली जो कोऑर्डिनेशन सफ़ीयर के अंदर स्पीशीज़ होती हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है दैट इज़ इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर और उसको हम जो है वो सेकेंडरी वलन्सी जो है वो कहते हैं एक्चुअली जो प्राइमरी वलन्सी या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट सेटिस्फाई द चार्जेस ऑफ द एलिमेंट्स जो उस पर हम प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट लगाएंगे और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड उसके साथ अटैच है दैट आर बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेकेंडरी वलन्सी और कोऑर्डिनेशन नंबर अब देखें क्योंकि सेकेंडरी वलन्सी या कोऑर्डिनेशन नंबर में डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड होते हैं तो इसीलिए जो सेकेंडरी वलन्सी होती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टीरो ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी आइदर इट विल बी टाटा हिडल और आइदर इट विल बी स्केयर प्लेनर आइदर इट विलगूनल बाई पेरामिडल ऑक्टा हीडल वट एवर द ज्योमेट्री इज दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ कॉर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स हाउ दोज आर अरेंजड इन स्पेस एंड इन टर्म दोज कॉर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स डिपेंड अपॉन द स्केंडीवलंसी और कॉर्डिनेशन नंबर सो so, इसीलिए जो स्केंडरी वलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर है ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को जो है वो डिसाइड करता है प्राइमरी वलन्सी का इससे कोई आ, लेना देना नहीं है उसकी वजह क्या है कि प्राइमरी वलन्सी मेनली मेंटेन होती है आयनिक चार्जेस के जरिए और जो आयनिक बॉन्ड होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती आयंस जस्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली एक दूसरी स्पीशी के साथ अटैच हो जाते हैं एंड दे हैव नथिंग टू डू विद द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स अब जब ये तीनों पॉस्टुलेट्स आ गए तो द प्रीवियस प्रॉब्लम वाज के हाउ टू राइट दी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस तो वर्नर्स के अकॉर्डिंग जो है हम इस कॉम्प्लेक्स को विच इज़ कुबाराय डॉट सिक्स एन एच थ्री इसको हम इस वे में लिखेंगे सिमिलरली कुबार्क क्लोराइड डॉट फाइव एन एच थ्री विल बी राइट लाइक दिस कुबार क्लोराइड राय डॉट फोर एन एच थ्री विल बी इन दिस फॉर्म एंड कोबार क्लोराइड राय डॉट थ्री एन एच थ्री विल बी रिटर्न इन दिस फॉर्म इसमें देखें कि पहली जो एग्ज़ाम्पल है उसमें छः के छः अमोनिया जो हैं वो अंदर हैं और ये तीन क्लोराइड जो हैं दे आर अटैचड एक्सटर्नली एक्सटर्नली का मतलब क्या है कि ये तीन क्लोराइड जो हैं वो आयनिक बाउंड के जरिए अटैच हैं वेयर एस जो कुबाल के अंदर सिक्स अमोनिया है दे आर अटैच थ्रू कॉर्डिनेट कोवलेंट बाउंड सेकेंड एग्ज़ैपल में पाँच अमोनिया हैं और तीन में से एक क्लोराइड जो है वो अंदर आ गया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के दैट मींस दैट इज आल्सो मेकिंग अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और बाहर जो है वो दो क्लोराइड रह गए हैं दैट आर अटैच्ड आयनिकली थर्ड एग्जांपल में इसमें देखें कि अब चार अमोनिया हैं चारों जो हैं वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हैं और इन तीन में से दो क्लोराइड जो हैं वो अंदर आ गए हैं दे आर मेकिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और एक जो बाहर है वो आयनिकली बॉन्ड के जरिए जो है वो अटैच है इस एग्ज़ाम्पल में जो लास्ट एग्जाम्पल है एंड दिस एग्जाम्पल इज़ द मोस्ट प्रोशल एग्जाम्पल एज लास्ट थ्यूरी जो कि ब्लूम स्टैंड जो जैनसन थ्यूरी थी वो इसी कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने में फेल हुई थी तो इसमें हम देखेंगे कि तीनों क्लोराइड भी अंदर हैं और तीनों अमोनिया भी जो है वो इनसाइड हैं ऑल सिक्स स्पीशीज़ आर मेकिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और जाहिर है बाहर जो है वो इसके कोई स्पीशी अटैच नहीं है आइनिकली ऑल आर अटैच थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तो अगर आप इस सब में एक चीज़ कॉमन देखेंगे वो कॉमन ये है कि कोबाल्ट जो है इस फॉर्म में कोऑर्डिनेशन सफ़ियर के अंदर सिक्स स्पीशीज़ के साथ अटैच है चाहे वो कोई सा भी कॉम्प्लेक्स है लाइक like यहाँ पर भी देखें छः मालिक्यूल्स हैं छः के छः अमोनिया हैं सेकंड एग्ज़ाम्पल में पांच अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं और एक क्लोराइड है थर्ड एग्जांपल में चार अमोनिया के हैं और दो क्लोराइड हैं और सबसे लास्ट में तीन अमोनिया के हैं और तीन क्लोराइड के हैं सो एट अ टाइम इट इज अटैच्ड विद सिक्स स्पीशीज और इस सिक्स स्पीशीज की अटैचमेंट के बाद जो बाकी स्पीशीज हैं दे आर अटैच आउटसाइड और ये स्पीशीज जो हैं दीज आर अटैच थ्रू आइनिक कोवलेंट बॉन्ड अब यहां पर ही हम इसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वलेंसी को जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं और वो किस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो अंदर कोऑर्डिनेशन सफियर स्पीश के स्पीशीज़ हैं दे आर एक्चुअली द सेकेंडरी वलन्सी ऑफ कोबार्ट और दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर वेयर एज ये जो स्पीशीज़ आउटसाइड लिखी हैं ये प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है वो सेटिस्फाई करती हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो शुरू से प्रॉब्लम चला आ रहा था कि डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को हम दोनों को ऐसे डॉट फॉर्म में ही लिखते थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्नर ने ये राइट राइटिंग का मेथड दिया है जिसमें हम ये स्केयर ब्रैकेट्स लगा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर लगा रहे हैं सेंट्रल मेटल है लिकेंड है, है तो ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्नर्स ने दी थी और यही वर्नर्स का मेथड ऑफ राइटिंग कॉम्प्लेक्सेस है नाउ क्वेश्चन इज कि वो जो पीछे हमने दो एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनमें एक सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपटेट्स का था और कंडक्टिविटी का था तो क्या ये चारों जो एग्जांपल्स हैं हम उनको उस एक्सपेरिमेंट्स के जरिए प्रूव कर सकते हैं कि आइदर दिस मेथड ऑफ राइटिंग इज़ करेक्ट और नॉट तो उसके लिए फिर हम जो है नेक्स्ट चलते हैं तो हेयर इफ़ यू सी कि वो प्रैक्टिकल्स कौन थे थे एक जो था प्रैक्टिकल दैट वाज एविडेंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स एंड सेकेंड वाज एविडेंस ऑफ कंडक्टिविटी तो हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्सेस की जो है वो चार सेपरेशन करते हैं और उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को यहाँ पर लिखा है क्लोराइड्स आर रिटर्न इन डिफरेंट कलर उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पर ये सारे जो क्लोराइड हैं दे आर रिटर्न इन रेड कलर क्योंकि ये आइनीकली कॉम्प्लेक्स के साथ जो है वो अटैच है कॉर्डिनेशन सफियर के अंदर जो स्पीशीज़ हैं दे आर एक्चुअली मे बी अटैच थ्रू आइनिक बॉन्ड और दे आर कन्फर्म दैट दे आर अटैच थ्रू कॉर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यस अगर उनके ऊपर कोई चार्ज है तो यस दे आर आल्सो अटैच थ्रू आइनिक बॉन्ड तो अगर हम सबसे पहला चार्ज सेपरेशन करें इस कॉम्प्लेक्स की तो अगर आप देखें यहाँ पर तीन क्लोराइड अटैच हैं तो एक क्लोराइड पर माइनस थ्री होता है तो तीन क्लोराइड पर माइनस थ्री है अब माइनस थ्री है और ये इसके साथ अटैच है तो इसका मतलब है कि इस पूरे सफियर के ऊपर प्लस थ्री चार्ज है अब प्लस थ्री चार्ज इस सफ़ियर के ऊपर है तो इस सफियर के अंदर स्पीशीज़ का जो सम होना चाहिए वो प्लस थ्री होना चाहिए तो वो प्लस थ्री कैसे है कि अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है तो ये कॉम्प्लेक्स पर जो प्लस थ्री चार्ज आया है वो कोबाल्ट की वजह से आया तो यहाँ पर आप इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्लस थ्री इधर भी लिखा है और ये प्लस थ्री इधर भी लिखा है देखें जो सफ़ियर के अंदर स्पीशीज़ हैं उनका जो सम होगा चार्जेस का वो हम यहाँ पर लिखते हैं सो अगेन चार्ज सेपरेशन स्टेप कि माइनस थ्री है तो कॉम्प्लेक्स पर प्लस थ्री है कॉम्प्लेक्स पर प्लस थ्री किस तरह आया कि अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है और कोबाल्ट पर प्लस थ्री चार्ज है सो so इस तरह हम चार्ज सेपरेशन कर लेंगे सेकेंड एग्जाम्पल जो है अब जब हम इसको वाटर में या किसी स्पीशी में इसको डिज़ोल्व करेंगे तो क्योंकि ये क्लोराइड जो है ये आइनिकली अटैच है तो ये सेपरेट हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ थ्री सी एल क्लोराइड्स और ये पूरा सफियर जो है वो एज इट इज़ रहेगा और वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा या किसी पोलर मीडियम में डिज़ोल्व नहीं होगा क्योंकि ये जो स्पीशीज़ हैं दीज आर अटैच थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और जो कोऑर्डिनेट कॉवरेंट बॉन्ड वाली स्पीशीज़ होती हैं दे आर नॉट डिज़ोल्ड इन वाटर एज इट इज़ तो इस तरह यहाँ पर जस्ट आइनिक्स चीज़ें जो हैं वो सेपरेट हुई हैं तो ये देखें ये सफियर जो है वो इन तीन क्लोराइड से सेपरेट हो गया नाउ हाउ वी विल प्रूव दैट कि दिस मेथड इज़ राइटिंग देखें तो अगर आप पहली एविडेंस देखें तो यहाँ पर तीन क्लोराइड सेपरेट हुए हैं तो तीनों जो है वो सिल्वर के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपटेट्स जो हैं वो यहाँ पर बनाएंगे एंड थ्री मॉलिक्यूल्स विल बी जनरेटेड सो दैट इज़ प्रूफ नेक्स्ट है कंडक्टिविटी तो इस कॉम्प्लेक्स ने एक्सपेरिमेंट्स जब किए तो फोर आइन कंडक्टिविटी शो की वो कैसे की तीन ये क्लोराइड हैं जो कि तीन ये हैं और एक चौथा ये कोऑर्डिनेशन सफियर है जो कि आल्सो आइन है तो इस तरह फोर आइंस की कंडक्टिविटी जो है वो इस कॉम्प्लेक्स ने प्रूव की नेक्स्ट हम चलते हैं अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें सेकंड uh, की तो यहाँ पर माइनस टू है तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स पर प्लस टू है कॉम्प्लेक्स पर प्लस टू किस तरह है कि क्लोराइड इनसाइड है तो माइनस वन क्लोराइड पर है अमोनिया जो है वो न्यूट्रल होता है और प्लस थ्री जो है वो कोबाल्ट पर है तो प्लस थ्री में से माइनस वन करेंगे तो कोऑर्डिनेशन सफ़ियर पर प्लस टू चार जाएगा सो दिस इज इट्स चार्ज सेपरेशन जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं या किसी पोलर मीडियम में डिजोल्व करते हैं तो क्लोराइड सेपरेट हो जाते हैं और ये सफ़ियर सेपरेट हो जाता है नाउ दिस पिशी विल गिव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए जैसा कि प्रूव हुआ हुआ है और कंडक्टिविटी जो है वो थ्री आयंस की कंडक्टिविटी शो करेगा दो ये क्लोराइड है और एक ये जो केट है सो so, थ्री आयंस कंडक्टिविटी और प्रैक्टिकली ऐसा ही ऑब्जर्व किया गया इसके बाद जो है नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं ये वाली इसमें क्लोराइड जो है वो बाहर माइनस वन है तो कॉम्प्लेक्स पर प्लस वन है नौ प्लस वन कैसे है कि क्लोराइड पर माइनस टू है दो क्लोराइड हैं अमोनिया इज न्यूट्रल तो प्लस थ्री कोपाड़ पर है तो प्लस थ्री माइनस टू तो ये प्लस वन ओवरऑल चार्ज आ जाएगा जब हम इसको डिजोल्व करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा क्योंकि आयनिकली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक करेगा यहाँ पर अंदर जो है वो ब्रेकेज नहीं होगी क्योंकि अंदर जो स्पीशीज़ हैं दे आर अटैच टू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाली स्पीशीज़ किसी भी मीडियम में फॉर एग्जांपल पोलर मीडियम में डिजोल्व नहीं होती तो इसकी जो है वन सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा ड्यू टू दिस और टू आइंस कंडक्टिविटी है एक क्लोराइड की और एक इस सफियर की एंड लास्ट एग्जाम्पल जो है विच वॉज मोस्ट कंट्रोवर्शल और इसकी एक्सप्लनेशन में ही प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ब्लूमस्टैंड और जेंसन थ्योरी रिजेक्ट हुई थी तो इसमें अगर हम देखें कि ये ओवरऑल न्यूट्रल है न्यूट्रल हमने कैसे ज्यूम किया कि बाहर जब कोई स्पीशी अटैच नहीं है तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है अब ये न्यूट्रल कैसे होगा तीन क्लोराइड हैं तो तीन पर माइनस थ्री है अमोनिया इज ऑलवेज न्यूट्रल और कुबाड़ पर प्लस थ्री है अब तो प्लस थ्री माइनस थ्री को कैंसिल करेगा तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल तो जब आप इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में या किसी भी मीडियम में तो क्योंकि बाहर कोई आइनिकली स्पीशी अटैच नहीं है तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड के कोई प्रेसिपिटेट्स हमें नहीं मिलेंगे और ऐसा ही ऑब्जर्व हुआ सिमिलरली क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व नहीं हुआ दीज स्पीशीज वर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एज दीज आर अटैच थ्रू कॉर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या सेकेंडरी वलन्सी को सेटिसफाई कर रही हैं तो इससे हुआ क्या कि हमें कोई कंडक्टिविटी भी जो है वो नहीं मिली सो नो कंडक्टिविटी एंड देयर वाज नो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेशन सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया कि यस दिस मेथड ऑफ राइटिंग कॉम्प्लेक्सेस इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमने जो वर्नर्स का वो मेथड था उसको इन दो एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि यस दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कोआर्डिनेशन देन टू राइट इन दॉट स्ट्रक्चर नौ यहां पर अगर हम देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी वलेंसी को हमने डिस्कस तो कर लिया है अब यहां पर देखें ये जो तीन क्लोराइड हैं दीज आर सेटिसफाइंग इट्स प्राइमरी विलंसी वो कैसे सेटिसफाई कर रहे हैं प्राइमरी विलंसी देखें प्राइमरी विलंसी कोबाल्ट की जो है वो ये प्लस थ्री है ये प्लस थ्री जो है ये कैसे आई है ये प्लस थ्री इस तरह आई है कि क्लोराइड बाहर अटैच है माइनस थ्री और माइनस थ्री है तो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज होगा प्लस थ्री कॉम्प्लेक्स पर प्लस थ्री चार्ज कैसे होगा जब अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है और कोबाल्ट प्लस थ्री है तो ये जो आइनिक डिस्कशन है दैट इज़ एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग दी प्राइमरी वलेंसी जो कि इसकी प्लस थ्री है नो इस कोऑर्डिनेशन सफियर के अंदर यहाँ पर भी छः स्पीशीज़ हैं यहाँ पर भी छः हैं सेमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में भी और नेक्स्ट भी तो इसका मतलब है कि इसकी सेकेंडरी वलेंसी या इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सिक्स है तो ये छः अमोनिया के मालिक्यूल जो हैं वो अंदर इंसर्ट होंगे कोऑर्डिनेशन सफ़ीयर के तो फिर ही कोबाल्ट की सेकेंडरी वलेंसी जो है वो सेटिस्फाई होगी नाउ हाउ दिस कैंडी कैंडिवलेंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स तो वो थर्ड पॉस्ुलेट है तो अगर हम देखें कि इसी कॉम्प्लेक्स को अब हमने ज्योमेट्री की फॉर्म में यहाँ पर लिखा है सो so, क्योंकि छ लिगेंड्स अटैच हैं ट्रू सेंटर तो यहाँ पर कुबाड़ जो है वो ऑक्टा हेडल जोमैट्री बनाएगा इन छः लिगेंड्स के साथ ऑल आर अटैच थ्रू कोआर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और क्योंकि कोबाल्ट पर प्लस थ्री चार्ज है तो इसीलिए ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर प्लस थ्री चार्ज आएगा और इस ऑक्टाहेड्रल जोमेट्री की रीज़न क्या है कि छः यहाँ पर लिगंड्स अटैच हैं छः क्यों अटैच हैं क्योंकि सेकेंडरी विलंसी जो कोबाल्ट की है वो सिक्स है Now दी स्पीशीज़ आर जस्ट आइनिकली अटैच विद दिस कॉम्प्लेक्स और ये क्लोराइड जो है वो इस पूरे सफ़ीर के आगे पीछे कहीं भी अटैच हो सकते हैं एंड दे आर अटैचड आइनिकली तो इनका स्पेस में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट होना फ़िक्स होना ज़रूरी नहीं है सेकेंड जो अगर आप देखें एग्जाम्पल तो इसी को ही हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर तो आप देखें कि वो एक जो अमोनिया है उसकी जगह ए क्लोराइड जो है वो अंदर इंसर्ट हो गया है नो दिस क्लोराइड इज़ सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी विलंसी एंड सेकेंडरी विलेंसी ऑफ कोबार्ट देखें प्राइमरी विलेंसी कैसे के आ, इस कॉम्प्लेक्स पर प्लस टू चार्ज है तो प्लस टू चार्ज कैसे होगा जब प्लस थ्री कोबार्ट पर है एंड माइनस वन इस क्लोराइड पर है तो नाव क्लोराइड जो है वो आइनिकली भी अटैच है इस कॉम्प्लेक्स के साथ और कॉर्डिनेट कोवलेंट बाड के जरिए भी अटैच है इस कॉम्प्लेक्स के साथ सो so, इस तरह ये क्लोराइड जो है ये कोबाल्ट की ना सिर्फ प्राइमरी विलंसी सेटिस्फाई कर रहा है बल्कि सेकेंडरी विलंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने की टेंडेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग लिगेंड और बाय प्रोवाइडिंग लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल अब देखें ये जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इस बॉन्ड से भी ज़्यादा है या बाकी जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा है सो इसीलिए क्योंकि ये जो है वो डबल बाउंड ऑलमोस्ट डबल बाउंड के साथ अटैच है तो इसीलिए जब हमने इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिजॉल्व किया तो ये जो क्लोराइड था ये सेपरेट नहीं हुआ बिकॉज इट इज़ अटैच टू कोबाल्ट विद डबल बाउंड ऑलमोस्ट सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर अब एक और अमोनिया जो है वो क्लोराइड के साथ रिप्लेस हो गया Now, दो है दो क्लोराइड जो हैं वो एटम्स अटैच हो गए हैं अगेन क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है छः लिगेंड्स एट अ टाइम है और जब भी छः लिगेंड्स आएंगे तो जुमेट्री यहाँ पर होगी ऑक्टाहेड्रल। यस yes, अगर यहाँ पर पांच लिगेंड होते तो हो सकता है जुमेट्री जो है वो स्केयर प्लेनर पिरामिडल या ट्राइगोनल बाई बिराम, या ट्राइगोनल पिरामिडल होती लेकिन जब तक लिगेंड्स छः हैं चाहे वो कोई सा भी हो तो जो ज्योमेट्री है दैट विल रिमेन ऑक्टाहेड्रल अब यहाँ पर देखें कि दो जो हैं क्लोराइड आकर अटैच हो गए और दोनों जो हैं वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे बिकॉज दे आर अटैच थ्रू आइनिक बॉन्ड एंड आल्सो थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इस तरह ये जो एग्जांपल है नेक्स्ट इसमें अगर आप देखें यहाँ पर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है बाहर कोई स्पीशी अटैच नहीं है तीनों के तीनों क्लोराइड जो हैं वो अंदर आ गए हैं दे आई मीन इनसाइड इसका मतलब है कि ये चार्जिस की वजह से इस कुबाड़ की प्राइमरी वलन्सी सेटिस्फाई कर रहे हैं और कॉर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मेकिंग की वजह से ये कुबाड़ की सेकेंडरी वलन्सी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अब ये छः की छः स्पीशीज़ हैं जिनमें से तीन क्लोराइड हैं और तीन जो है वो अमोनिया है दीज विल नॉट डिज़ोल्व इन वाटर और सम अदर मीडियम बिकॉज ना सिर्फ ये आयनिक बॉन्ड के जरिए अटैच हैं बल्कि कोवलेंट बॉन्ड कोआर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए भी अटैच हैं सो so, इस तरह जो स्पीशीज़ भी इनसाइड हैं दैट आर एक्चुअली डिसाइडिंग द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स और स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स तो इस थ्योरी ने एक बड़ा मेजर चेंज लेके आई है इन एक्सप्लेनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट करैक्टर ऑफ मेटल एंड लिगेंड और इस थ्योरी ने सबसे पहले जो है वो हमें बताया कि हाउ वी शुड राइट द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर डबल सार्ट और वो जो एक्सपेरिमेंट्स थे दो लाइक एविडेंस ऑफ ए जी सी एल एंड एविडेंस ऑफ कंडक्टिविटी उन सब को जो है उनके रिज़ल्ट को इस थ्योरी ने प्रॉपरली जो है वो उसको उसके रिज़ल्ट को जो है वो एक्सप्लेन किया, एंड स्पेशली ये जो कॉम्प्लेक्स था इट वॉज़ वेरी वेल एक्सप्लेन कि क्यों ये ना कंडक्टिविटी शो करता है और ना ये क्लोराइड के मालिक्यूल्स के जो है वो प्रेसप्लेट बनाता है अब यहाँ पर लास्ट में एक क्वेश्चन रह गया है वो क्वेश्चन ये है कि कुबाल्ट की प्राइमरी वलन्सी तो हमें समझ आती है कि प्लस थ्री है नाउ क्वेश्चन इज़ के ए इस प्लस थ्री फॉर्म में ये छः लेगेंट्स ही क्यों इसके साथ अटैच हैं एक वक्त में देखें यहाँ पर भी छः लेगेंड्स अटैच हैं सिमिलरली इस एग्जाम्पल में भी छः लेगेंड्स अटैच हैं और जो लास्ट वाली एग्जाम्पल है इसमें भी छः लेगेंट्स अटैच हैं सो द क्वेश्चन अराइज दैट वाई कोबाल्ट इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली एडजस्ट सिक्स लिगंडस एट अ टाइम इन साइड द कोऑर्डिनेशन सफियर नॉट मोर और नॉट लेस तो देखें यहाँ पर सात लिगेंड्स क्यों नहीं है यहाँ पर पाँच लिगेंड्स क्यों नहीं है या चार लिगेंड्स क्यों नहीं है छः लिगेंड्स ही क्यों अटैच हैं और फिर इसी छः लिगेंड्स की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्स की स्टीरियो केमिस्ट्री है वो ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल बनती है तो ऐसा क्यों है वो इस थ्योरी ने एक्सप्लेन जो है वो उसको नहीं किया इन समहाउ उसने एक्सप्लेन तो किया है लेकिन डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया तो वाई को इन प्लस थ्री फॉर्म ओनली एडजस्ट सिक्स लिगेंड्स इन साइड नॉट फाइव नॉट सेवन तो इसका जो आंसर है वो हमें फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे वन मोर थिंग इज के यहाँ पर देखें कि लिगेंड्स जो हैं वो यहाँ पर छः अटैच हैं ठीक है बट वाई वी कॉल दिस कॉम्प्लेक्स एज ऑक्टा तो लिगेंड तो छः अटैच हैं लेकिन हम इस कॉम्प्लेक्स को ऑक्टा कहते हैं ऑक्टा का मतलब होता है एट उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि ये जो जो मैटरी है ऑक्टा इसलिए कहते हैं कि ये सिक्स साइड जो सॉरी फोर साइड जो, uh, uh, जो हैं वो ऊपर की साइड पर हैं और फोर साइड जो हैं वो नीचे साइड्स या फेसिस अब अगर आप देखें कि अगर ये क्लोराइड सेंटर में है तो एक क्लोराइड ये है और दूसरा अमोनिया यहाँ पर है इसी तरह थर्ड अमोनिया यहाँ पर है चौथा अमोनिया यहाँ पर है तो अगर आप देखें इसकी ये वन साइड है टू साइड सेकेंड ठीक है वन साइड टू साइड थ्री साइड और फोर साइड तो ये चार साइड्स ऊपर हैं और इसी तरह ही अगर आप नीचे देखें तो फिफ्थ साइड सिक्स साइड सेवन साइड एंड एट साइड तो क्योंकि चार फेसेस जो हैं ये ऊपर बना रहा है लाइक like दिस एक फ्रंट वाला एक बैक और दो साइडों वाले और इसी तरह चार फेसेस जो हैं वो आ, जो नीचे वाली साइड है उसमें बन रहे हैं लाइक दिस तो इस तरह टोटल आठ फेसेस हैं दैट इज़ वाई दिस ज्योमेट्री इज़ कॉल्ड एज ऑक्टाहाड्र ज्योमेट्री नो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे सो दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर एंड दिस वाज अबाउट ऑल अबाउट वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज़